हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम हम जावा में कैसे बना सकते हैं। तो प्रोजेक्ट पे जाना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, ब्लूजे ओपन करना है आपको। सबसे पहले ब्लूजे ओपन करके, और जैसे मैंने की बताया कि प्रोजेक्ट पे पहले क्लिक करिएगा, फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट यानी न्यू फाइल को हम क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ sub.java, ठीक है। जावा का प्रोग्राम बना रहे हैं तो एक्सटेंशन जावा की जावा ही होती है, तो यहाँ पे जावा दे दिया हमने। अब क्लास का भी नाम सेम होना चाहिए जो आपने प्रोजेक्ट का नाम दिया, तो यहाँ पे sub मैं क्लास का भी नाम सेम दे देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा ब्लूजे ओपन होगा। इसके बाद कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और जो भी लिखा हुआ इसको डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पर हमें कोडिंग करनी है, यहाँ पर लिखना है इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। स्कैनर इसलिए क्योंकि यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है। तो ये कर दिया हमने। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्लास बनाएंगे, तो क्लास हमारा सब नाम से था, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो sub सब नाम से क्लास बना दिया, कर्ली ब्रैकेट लगा लिया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन देना है, तो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, मेन फंक्शन हमारा है वाइड मेन, ठीक है। और इसमें स्ट्रिंग पास करेंगे हम, स्ट्रिंग args करेंगे, स्ट्रिंग args, ठीक है। इतना कर दिया हमने, इसको क्लोज करेंगे, और क्लोज करने के बाद नीचे कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। कर्ली ब्रैकेट बनाने के बाद यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लेंगे, और यहाँ पे abc तीन वेरिएबल हम बना लेते हैं abc, ठीक है। और यहाँ पे system.out.print ln, ठीक है, ये दे दिया हमने। और यहाँ पे यूजर को क्या दिखाई पड़ेगा स्क्रीन पे, एंटर टू नंबर्स फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, यही यूजर को दिखाई पड़ेगा स्क्रीन पे। तो यूजर दो नंबर एंटर कर देगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद नीचे आएंगे, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे स्कैनर लगाना है, ठीक है। तो आइए स्कैनर लगाते हैं, स्कैनर, ठीक है, sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर इज इक्वल टू न्यू में system.in, ये कर दिया हमने। इतना करने के बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा करके इसे टर्मिनेट करना है, और फिर नीचे आएंगे तो अब यहाँ पे एक एक वेरिएबल को हमें डिफाइन करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ डिफाइन करते हैं एक एक वेरिएबल को, ठीक है। नेक्स्ट इंट, इंट का आई कैपिटल होगा, ये ध्यान रखिएगा। और यहां पे इसको करेंगे क्लोज, और यहां पे इसको टर्मिनेट करेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद इसको सेलेक्ट करता हूं मैं, ठीक है, और राइट क्लिक करके इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं ताकि लिखने की जरूरत न पड़े। तो यहां पे ये कर लिया हमने। अब सिर्फ वेरिएबल का नाम भर चेंज करना है हमें, यहां बी कर देना है बस, ठीक है, बाकी सब चीजें सही है। यहां पर लिखेंगे सी इज इक्वल टू a-b, ओके, तो ये कर दिया हमने। अब आगे क्या करना है, system.out.println system, और यहाँ पे डबल यूटेड कॉमा में क्या देंगे हम, वो मैसेज देंगे जो स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ आउटपुट आने के बाद टू इंटीजर्स इज, ठीक है, इतना दे दिया हमने। और यहां पे कर देंगे हम प्लस सी, ठीक है, इतना कर देंगे हम। इतना करने के बाद इसको टर्मिनेट कर देंगे, और जो कर्ली ब्रैकेट हमने ओपन किया था उसको क्लोज भी कर देंगे, ठीक है। पॉइंट सिंबल, ओ सिस्टम ये कैपिटल होगा इस वजह से ये ऐसा दे रहा है, तो ये अब कंपाइल हो जाएगा, कंपाइल हो गया, ठीक है। अब इसको रन करवाने की बारी है, तो इसको मैं यहां से क्लोज करता हूं, यहां से इसको रन करवाता हूं। अब आइए देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम चलता है या नहीं। यहां पे आ रहा है एंटर टू नंबर्स फॉर सब्ट्रैक्शन, तो यहां पे दो नंबर, नीचे यहां पे दो नंबर एंटर करता हूं। पहला नंबर एंटर किया हमने 66, ठीक है। अब 66 से हमें 9 माइनस करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि 66 से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो यहां पर ये आंसर आ चुका है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए इसी प्रोग्राम को दोबारा से रन करवाते हैं, यहां से रन करवाया हमने, तो यहां पर अब फिर से ये पूछ रहा है। तो ये पहला नंबर हम देते हैं 77, ठीक है, और 77 में से हम 99 माइनस करवाते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर।
तो यहां पे देख सकते हैं -22 आ रहा है। तो ये इंटीजर का कमाल है। देखिए अगर आप मैथ पढ़ते हो तो मैथ में इंटीजर जो कॉपी पे आप सॉल्व करते हो क्वेश्चन, उसमें और इस इंटीजर में बड़ा छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखिए इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड कीजिएगा तो नंबर इंटीजर ही आएगा। वहां पर आप क्या करते हैं, पॉइंट में भी लेके आ जाते हैं, डेसिमल में भी लेके आ जाते हैं, लेकिन यहां पर इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करिएगा तो बड़ा ही प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल सोच रखिए थोड़ी कि इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर ही आएगा। जैसे 2 है तो 2 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर हमारा 1 आ गया, ठीक है। अब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो बचेगा ही बचेगा, तो क्या आएगा आंसर? 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 1.5 ये नहीं दे सकता है, क्योंकि इंटीजर को डिजाइन ही इसीलिए किया गया है क्योंकि वो इंट टाइप की, इंटीजर टाइप की वैल्यूज को होल्ड कर सके, ठीक है। तो ये चीज है, उम्मीद है ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।